ये देखना है ये फिर भेड़ दिए ये आग से ये कैसे हो गए। और डिसिप्लिन ट्रेडर किस तरीके का होता है ना वो आपको बहुत जल्दी, अब मेरी एक सीरीज आने वाली है और डिसिप्लिन ट्रेडर है ना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सभी के, आए हो बढ़िया होंगे, मौज में होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आई थिंक मंडे को भी हॉलीडे है, आज सैटरडे है, आज मार्केट खुला है, अपने को उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे तरफ से मार्केट आज खुले बंद हो अपने दिमाग में इतना है। मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे चार दिन में बहुत अच्छे तरीके से काम करता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे में फ्राइडे को कभी कर लेता हूँ कभी नहीं करता हूँ है ना, और सैटरडे संडे तो मैं कभी करता ही नहीं, मार्केट की तरफ देखता भी नहीं ना चार्ट की तरफ देखता हूँ मेरी तरफ से। मार्केट में 1000 पॉइंट मार्केट आज गिर जाए 1000 पॉइंट चढ़ जाए अपने को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं। और डिसिप्लिन ट्रेडर किस तरीके का होता है ना वो आपको बहुत जल्दी, अब मेरी एक सीरीज आने वाली है डिसिप्लिन ट्रेडर है ना, हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, उसकी एक सीरीज आ रही है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जस्ट नॉट अबाउट ट्रेडिंग कि आप सिर्फ ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग करोगे वो नहीं होता डिसिप्लिन ट्रेडर। डिसिप्लिन ट्रेडर में बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपकी एक लाइफ साइकिल होती है, डेली लाइफ रूटीन होता है, उससे डिफाइन होता है कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो या नहीं हो। उसको अभी अपन अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से स्टॉक बनने वाले चैनल से आपको देखने को मिल सकता है मंडे या ट्यूसडे से, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ, और कहाँ जा रहा हूँ वो आपको बताऊँगा नहीं, बाद जब पहुँचूँगा तभी बताऊँगा है नहीं, अभी हेमू को कहीं जाना है तो हेमू को मैं लेके जा रहा हूँ, तो पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। और अभी मैं निकल चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, तो 11 बजे मैं निकला हूँ, अभी गाड़ी में तेल वेल नहीं है लेकिन बता बोलूँ कि हम पहाड़ों को निकलेंगे तो आपको बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ पहाड़ों के, और आप लोग पूरा वीडियो ब्लॉग को एंजॉय करो। और जो अपना चैनल पर जितने लोग नए हैं भाई डेली ब्लॉग्स देखते हो, आपने 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन दबा लो तो मेरी भी 50,000 सब्सक्राइबर यहाँ हो जाएंगी। चलो तो दोस्तों, अभी मैंने जो जीन्स ली थी यहाँ कल लिवाइस से लेके आया था मैं, वो अभी अल्टर कराने के लिए दी थी तो ले आया है, पीछे रख दिया है, सब लिवाइस पड़ा है, देख रहे हो यहाँ पे सब लिवाइस पड़ा है क्योंकि लिवाइस के ज़्यादा प्रोडक्ट मैं पहनता हूँ। शर्ट भी जो पहनी है लिवाइस की है, जीन्स वीन्स जितनी मेरी सारी लिवाइस की रहती हैं, ज़्यादा वादा से मैंने लिए लेकिन ज़्यादा का कुछ ही दिन चलते हो, ज़्यादा लंबा नहीं चल पाते हो, मतलब उनकी क्वालिटी बहुत वैसी है ना, लॉन्ग टर्म में उनकी क्वालिटी बेकार है। तो अब मैं निकलता हूँ पीछे, अरे रिक्शा वाले भैया क्या कर रहे हो तुम पीछे से, लेट्स गो। दोस्तों अभी आ गए हम भीमताल पर, अगर आप देखोगे तो पूरा भीमताल मेरी इस साइड पर दिख रहा है, और ये भीमताल ऑलमोस्ट आधा सूख चुका है क्योंकि गर्मी इस बार इतनी ज़्यादा है कि पूरा सूख चुका है। इसमें साइड अब बन गई बीचेस, अब हमें गोवा जाने की जरूरत नहीं है गाइस, इसीलिए मैं पहाड़ों की तरफ आ गया क्योंकि मुझे गोवा का मज़ा अपने नैनीताल और भीमताल में मिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल भीमताल अगर आप साइड बाई साइड कोने अगर आपको दिख रहे होंगे, ऐसे तो नहीं दिखेंगे लेकिन मैं ही आपको देख के बता रहा हूँ कि साइड बाई साइड जितने कोने हैं वो सब बीच बन चुका है क्योंकि पानी वहाँ का सूख गया है तो बीच जैसा दिखने लग गया है। जिसको लेना है बीच का मज़ा पहाड़ों में है ना, गोवा बीच का मज़ा, वो सीधा आ सकता है भीमताल, और यहाँ पर बीचेस बन चुके हैं। आप आओ, आप वो ऐसे पत्तों वाली टी शर्ट पहनो, निक्कर पहनो है ना, एक चप्पल डालो और एक सर पे एक गोल हेड डालो, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आओ या वाइफ को लेके आओ, और आपको भीमताल के अंदर बीच वाला मज़ा मिल जाएगा। बाकी जिसको बोटिंग वोटिंग करनी है वो भी यहाँ पे होती है, भीमताल में बोटिंग वगैरह भी होती है लेकिन सबसे अच्छी बोटिंग होती है नैनीताल में, नैनीताल जैसी बोटिंग और कहीं नहीं होती। लेकिन जिसको राफ्टिंग होता है ना, जिसको सिंगल बोट पर बैठ के अपना ऐसे पैर फंसा के जाना है तो वो नौकुचिया ताल में जा सकता है क्योंकि वहाँ पर सिंगल बंदे को बोट मिल जाती है करने के लिए। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ भीमताल से होते हुए, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे आपको पूरा भीमताल दिख रहा है बढ़िया सा। और अभी एक मार्केट में बहुत भयंकर घटना घटी है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो गाइस अभी मार्केट इसलिए आज सैटरडे है ना, इसलिए मैंने कहा था हम नहीं देखते, ये जो लोग अभी लेके बैठे होंगे उनकी उनकी ऐसी तैसी हो गई नीचे स्टॉप लॉसेस ये वो, देख रहे हो एक कैंडल देखो मार्केट की इतनी भयंकर है कि मतलब पूरा का पूरा मार्केट में नीचे ये जो कैंडल गई है ना 22,500 मार्केट चल रहा है, 22,050 मतलब 500 पॉइंट की एक कैंडल, 500 पॉइंट की एक कैंडल मतलब ऊपर से नीचे। इसको कहते हैं फ्लिक ट्रेड्स, जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है ना, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है और किसी ने सडन ऑर्डर मारे या किसी ने नीचे लोअर लेवल पर 22,050 के लेवल पर बड़े ऑर्डर्स मार दिए बड़े, और मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है मतलब मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, तो एक्सचेंज का काम क्या होता है, आपके जितने ऑर्डर्स उनको फुलफिल करना है ना, डिमांड है तो सप्लाई देना, सप्लाई है तो डिमांड जहाँ है मतलब जहाँ पर किसी ने डिमांड डाली है तो सप्लाई जहाँ तक होगी वहाँ पर लेके जाएगा, तो इसको कहते हैं फ्रीक ट्रेड्स है ना, इसको कहते हैं इम्बैलेंस। और इतना भयंकर इम्बैलेंस अभी देखने को मिला है, अगर ये कैंडल देखोगे तो आपको दिख रही होगी कितनी बड़ी कैंडल है नहीं,
ऐसी कैंडल्स से ऐसे बाजार से हमेशा दूर रहा करो जब मार्केट में है ना इस तरीके की ट्रेडिंग होती है, इस तरीके की चीज़ें होती है, इसलिए तुम्हारा भाई इन सब चीज़ों से दूर है। मैंने इसलिए कहा था हम नहीं करते भैया, हमारे तरफ से कुछ भी हो जाए। दोस्तों ये है अपना भीमताल जो सूख चुका है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बकरियाँ है ना, देखो बकरियाँ घास चल रही है। कभी ये भीमताल हुआ करता था, अभी इसमें बकरियाँ घास चल रही है ना। और एक समय ऐसा आएगा जिसमें क्रिकेट खेल जैसे लोग क्रिकेट इसमें उत्तराखंड या नहीं भीमताल प्रीमियर लीग चल रही होगी, है नहीं भीमताल प्रीमियर लीग चल रही होगी इसमें, इतना खतरनाक। अब ये क्या हो गया, ओ बकरियों डूब जाओगे भैंस क्या। भाई भीमताल हुआ करता था, ओ सेठ इससे पता चल रहा है कि देखा कितनी गर्मी है, पूरा पानी इसने बहुत गंदा है नी। और हमने अभी क्या बोलते हैं गेम भी खेला है बढ़िया वाला, हमने कहा हमको नौकुचिया ताल जाना, वरना भीमताल के अंदर पुलिस वाला घुसने नहीं देता ऐसे जैसे हम घुस गए ना। हमने कहा हमको जाना है नौकुचिया ताल को, तो कह रहा है नौकुचिया ताल को चले जाओ, बाकी सबको उसने उधर से घुमा दिया। और वहाँ से घूमने में जाम लगता है बहुत भयंकर, और ये मेन मार्केट के अंदर से खाली रहती है, तो मैं इधर से निकलता हूँ सीधा शॉर्टकट यहाँ से आने देते हैं, यहाँ से देखो वन वे है, लेकिन मैं यहाँ से दिमाग लगा के जा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा होगा ना आगे देखना, इधर नहीं आने देगा तुम्हें, जो कल की गाड़ी है तब। दोस्तों अभी ट्रैफिक अपना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और एक कोई अलग आया था ना हमारे बीच में, ये कोई मंत्री का कोई होगा, मंत्री का है नहीं ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख अच्छा ब्लॉक प्रमुख हो गए भी बहुत, देख रहे हो ये है ना गाड़ी ऐसे ला रहा है, सब लाइन पर खड़े हैं, आगे एक झंडा लगा लेना हुआ इनने, और ये ब्लॉक प्रमुख भी अपने आप को समझते हैं जैसे वहेंगे PM है, मतलब यहाँ पर जो लाइन पर जो खड़ा हुआ है वो मतलब बेवकूफ़ी है। म्यूजिक को कहता है यहाँ पर मतलब जो लाइन पर खड़े हुए हैं ये सब आम जनता है, बेवकूफ़ है इनको क्या ब्लॉक प्रमुख क्या बना दिया जनता ने, ये सोचता है कि भैया हम ही है ऐसे ला रहा है। बीक उधर से बंदा आ रहा है बीच रस्ते में, उसने फॉर्च्यूनर खड़ी कर दी है, देखो वो देख रही है, अब उधर से आने वाले को दिक्कत होगी नहीं हुई, वो हो रही है, ये यही होता है भैया, ऐसे को नेता बनाना ही नहीं है, जो फिर नेता बनने के बाद या कुछ भी बनने के बाद अपने आप को वो समझना जाते हैं भगवान है इनके आगे, मतलब जो है इन्हीं के पास है, इसका मतलब ये फुल फायदा उठा रहे हैं। ये देखना है ये देखिए ये अब वो बंदे लाइन पर खड़े, इनको जबरदस्ती खुजली हो रही है, हिल ले मेरा पीछे ले ले गाड़ी देखिए पीछे को दिखाई जा रहा इनको नजारा, ये चल 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 सर हम लाइन पर खड़े हैं पागल हैं, डालो डालो फटाफट डालो। दोस्तों बहुत इस जाम अपने को एक घंटा लग गया, अभी कैची धाम पहुँचने अपने को टाइम है, ये देखो कैची धाम का पार्किंग का एरिया है सामने, और कैची धाम है नीचे, ठीक है। तो अभी अपने को पहुँचने में वो यहाँ से अगर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का जो हमने रास्ता कवर किया है हमको यहाँ इसको कवर करने में भी 1 घंटा लगा है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कैची धाम को कवर कर निकल क्रॉस करने में अपने को 15-20 मिनट और लग सकते हैं, ट्रैफिक जाम होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट होता है रास्ते में, भयंकर जाम लगा हुआ है तब से गाड़ियाँ यहीं फंसी हुई हैं। दोस्तों अभी मैं इसको छोड़ चुका हूँ घर को, निकल लिया क्या सीधे जा रहा है क्या, देखिए निकलो ये चल दिया भाई घर को, अब इसको छोड़ा इसको घर जाके मम्मी को देखना है अपनी, फिर उसके बाद ड्रोन लेके हाँ ये ड्रोन लेके जा रहा है, अभी अभी क्या होता है मम्मी को दिखाया, देखो मम्मी मैं ड्रोन लाया। तो दोस्तों फाइनली अभी मेरी गाड़ी धुलेगी और इस पर यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इसको गाड़ी धुलने के लिए मैं हल्द्वानी से कहाँ लेके आ रहा हूँ, पहाड़ों में गाड़ी धुलने के लिए लानी पड़ी है, अभी धुलेगी 2 हफ्ते बाद धुलेगी, इसके अंदर देखो कितना भयंकर मोटा मोटा जमा है, ये यहाँ फिर आज भेड़ दी है मैंने, जो उस वक्त ना वो गाड़ी वाले घुसाया था उसने फिर भेड़ दिए, ये आग से भी ये कैसे हुआ है ये प्लास्टिक, पानी की जो शॉर्टेज होनी है अपने हल्द्वानी में वो इससे थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि बारिश आ रही है, और बारिश आ गई एक बार तो ऐसे जैसे आग वाग से फूक रखे सारे जंगल धुआं धुआं हो गए चार तरफ,
ये थोड़ा धुआं बैठ जाएगा और बहुत बढ़िया मतलब मौसम हो जाएगा, तो ऐसी वीकेंड चाहिए होता है। तो गाड़ी भी मैंने धुलवा दी, कोच साफ समय मिल गया और मैं भी एक ब्राइट एंड कॉर्नर है एक जगह पर जहाँ विवेकानंद का स्मारक बना हुआ, बहुत प्यारी जगह है, वहाँ से मैंने आपको जो व्यू देख सकते हो वहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ये मतलब यहाँ पर मैं हमेशा हम शाम को घूमने आया करते थे, यहाँ पर खड़ा हुआ करते थे जब मैं ट्रेड करता था पीजी में रह के, तो मैं यहाँ पर हर रोज शाम को आता था, हम लोग यहाँ पर बकचोदिया क्या करते थे। तो ये बहुत बढ़िया जगह है। फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ अल्मोड़ा के सामने वाले पहाड़ पर, क्या है इसका नाम, फलसीमा। हम दौड़ते थे भाई या नीचे से हम दौड़ते थे पूरा, ये रोड मुझे जितनी भी रोड दिख रही है यहाँ तक और यहाँ से आगे पूरा दौड़ते थे। तुम बस आगे का मौसम देखो, ये क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है भाई। फाइनली गाइस, जिस बारिश का मुझे इंतजार था कि भाई बारिश में मैं जाऊँ, मेरे को इतनी गर्मी से राहत मिले, क्योंकि मुझे पहाड़ों में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और पहाड़ों में ऊपर से बर्फ़ हो बारिश हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है, मेरे लाइक का मौसम है, क्योंकि मैं बर्फ़ हो बारिश में ना हो जाता। अब देखो क्या मस्त हवा चल रही है, ठंडा गर्मी का तो कोई नाम ही नहीं है। तो मैं जिस चीज़ की तलाश में अल्मोड़ा आया था, फाइनली उस चीज़ की तलाश यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मेरे को भी कसारते भी जाना है, कल देखेंगे वहाँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा, कल आपको बढ़िया से वर्कआउट दिखाऊँगा। फाइनली आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मेरा जो वीकेंड पे था कि गोल मुझे ये चाहिए और ऊपर वाले ने मेहरबान कर दिया और बारिश वारिश दे दी, तो मज़ा आ गया, मतलब वो अब राहत मिल रही अंदर एकदम ना, सुकून मिल रहा है। मौसम देखो ना पीछे गाइस, बाकी ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले कल के दिनों आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है।